तो दोस्तों टेलीग्राम होने वाला है बैन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, टेलीग्राम बैन होने वाला है। फ्रेंड्स मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं, यानी कि जिन्होंने टेलीग्राम ऐप को बनाया फ्रेंड्स, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और दोस्तों हो सकता है कि उनको 20 साल तक की सजा भी हो जाए। तो फ्रेंड्स उनको फ्रांस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है, और फ्रेंड्स अब हो सकता है टेलीग्राम बैन हो जाए और व्हाट्सअप ही सब लोगों को चलाना पड़े। तो फ्रेंड्स जानते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है और ऐसा क्या हो गया कि जो टेलीग्राम के मालिक हैं उनको गिरफ्तार करना पड़ा और उनको 20 साल की सजा क्यों हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम की आईडी अतुल शर्मा भाई, सब जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टेलीग्राम ऐप के सीईओ फ्रांस में गिरफ्तार किए गए हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो टेलीग्राम के मालिक है उनको फ्रेंड्स गिरफ्तार करना पड़ा। तो दोस्तों देखिए, टेलीग्राम एक रशियन ऐप है। दोस्तों आपको पता होगा टेलीग्राम जो ऐप है वो रशिया में बनाई गई है, और दोस्तों उसके मालिक का नाम है नवेल कुदोव। तो दोस्तों उन्होंने जो ऐप बनाई थी वो रशिया में रहते हुए बनाई थी, पर दोस्तों रशियन गवर्नमेंट ने उनको कहा था चुनाव में, 2014 के चुनाव में, आप ऐसा करिए सभी टेलीग्राम ग्रुप्स जो कि बनाए गए हैं ओपोजिशन पार्टी द्वारा, उन्हें बंद कर दीजिए। पर दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने टेलीग्राम ऐप को जो वहां से शिफ्ट करके रशिया से दोस्तों वो ले गए थे दुबई में। अब दोस्तों वो दुबई से ही टेलीग्राम ऐप को चला रहे थे, और दोस्तों पूरी दुनिया में इस समय 100 करोड़ यूजर्स है दोस्तों जो टेलीग्राम ऐप को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि हुआ क्या। तो फ्रेंड्स बेसिकली कल जब वो फ्रांस में लैंड हुए दोस्तों, पेरिस में वहां की राजधानी के पास में, फ्रेंड्स जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं दोस्तों अपने प्राइवेट जेट से, दोस्तों उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है फ्रांस की गवर्नमेंट द्वारा। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, दोस्तों वो कह रहे थे कि जो टेलीग्राम ऐप है उस पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस, ऐसे बहुत सारा कंटेंट, ऐसी बहुत चीजें जो दिखाई जा रही हैं, इन लोगों तक पहुंचाई जा रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है जो कि इलीगल है। जैसे मान लीजिए अगर आपको पता हो दोस्तों यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है इस समय, अब दोस्तों आप व्हाट्सएप पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप दोस्तों उन्हें बैन कर देता है, वो वीडियो उसको सेंड करता ही नहीं है। पर दोस्तों रशिया के जो ऐप है टेलीग्राम ऐप, दोस्तों इस पे कोई रोक ऐसी नहीं है, आप कोई भी वीडियो सेंड कर सकते हो, कोई वीडियो रिसीव कर सकते हो। दोस्तों कहने का मतलब वो एक ऐसी ऐप है जिस पर आप कुछ भी सेंड कर सकते हो, कुछ भी रिसीव कर सकते हो, आपके ऊपर कोई भी निगरानी नहीं हो रही है। दोस्तों बेसिकली फ्रांस की गवर्नमेंट का कहना था कि ये जो ऐप है वो दोस्तों इलीगल काम को प्रमोट कर रही है, इसका इस्तेमाल आतंकवादी ग्रुप कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं जो कि सरकार की नजरों से बचकर अपना काम करना चाहते हैं, यानी कि जो इलीगल धंधे करना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। दोस्तों इसी के आधार पर दोस्तों जैसे ही कल वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में उतरते हैं दोस्तों अपने प्राइवेट जेट से, फ्रेंड्स उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या टेलीग्राम ऐप बैन हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर उनको गिरफ्तार करके सजा हो जाती है तो फ्रेंड्स हो सकता है कि टेलीग्राम ऐप को बैन भी कर दिया जाए। और दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, आपको पता होगा ट्विटर पर अगर आप कोई ट्वीट करते हैं या कोई ट्रेंड चलाते हैं तो दोस्तों वो ट्रेंड दिखता है। फ्रेंड्स ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है टेलीग्राम नाम से। अब दोस्तों जैसे आप टेलीग्राम पे कमेंट, दोस्तों जो ट्रेंड चल रहा है उस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है, समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा जाता है, इसका मतलब वो ट्वीट्स ओपन ही नहीं हो रही है। तो दोस्तों कहने का मतलब है जो वेस्टर्न कंट्रीज है दोस्तों, जैसे कि अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, दोस्तों ये भी नहीं चाहती हैं कि लोग इनके बारे में बात करें, लोग ट्रेंड चलाएं, लोग ये मांग करें कि इनको छोड़ दिया जाए। तो दोस्तों बेसिकली कहने का मतलब है अब उनको गिरफ्तार करने के बाद जेल होना निश्चित हो सकता है, और दोस्तों जैसे उनको जेल होती है फ्रेंड्स टेलीग्राम ऐप पे बैन लग सकता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आती है इसके रिगार्डिंग तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊंगा, और आपको दोस्तों बता दूंगा कि टेलीग्राम ऐप के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।